इसको बॉयल करके आप तब पी सकते हैं, अपनी प्यास को बुझाने का कुछ हद तक काम कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी के पास तो आरओ लगा हुआ है नहीं भाई, क्योंकि भारत की जो गरीबी है ऐसे भी अच्छी खासी है, हर किसी के पास तो आरओ हो नहीं सकता है, हर कोई पलंग पे सो नहीं सकता है। तो जब आरओ नहीं हो सकता है, पलंग पे सो नहीं सकता है, तो चूल्हा तो हर किसी के पास है, गर्म करके पी लो, बैक्टीरिया मरने का काम यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसी चीज को कहा कि जो जल हमें नालों, हैंडपंपों और कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं है, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का